बेल, आज क्या बना रहे? बोलो, तू खाना बना रही है? क्या बना रही बेटा? पूरन पोली। ये पूरन पोली है? और नहीं तो क्या है, इसे और क्या बोलते हैं? हंसो हंसो, हंस लो मुझ पर। नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रही, ये पूरन पोली है। ये देखिए, इंटरनेट से डाउनलोड किया मैंने, रेसिपी देख रही हूँ। अभी इनकी पूरन पोली देखिए और मेरी पूरन पोली देखिए, जस्ट सी, सेम ही नहीं लग रही है। अब या तो इन्हें सिखाना नहीं आता, या तो उन्होंने गलत रेसिपी दी है। मेरी क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं मेरी, गोलू की पूरन पोली तो गोल भी नहीं है। अच्छा एक काम कर, तू इसे बंद कर दे और ये सब रख दे, आज मैं तुझे पूरन पोली बनाना सिखाती हूँ। रोली, आप सिखाएंगी मुझे? बिल्कुल। अब फिर देखना आयुष के घर वाले कैसे उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। और वैसे भी कहते हैं ना कि मर्दों के दिल की राह उनके पेट से होके गुजरती है। ये सब क्या सिखा रही आप इसे? मॉम, अनुषा डॉक्टर बनेगी या उनके घर में जाके कुक बनेगी? खाना बनाना भी एक कला है, और अनुषा अगर ये कला सीख ले तो इसमें बुराई क्या है? और फिर हर गृहिणी को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। ऐसा कौन सी बुक में लिखा है? अनुषा को हम इसलिए पढ़ा लिखा नहीं रहे कि उनके घर में जाके खाना बनाए या उनके झूठे बर्तन साफ करे। बट मॉम, चुप रहो तुम। और अनुषा ही क्यों खाना बनाना सीखे? क्योंकि ये लड़की है ना? आयुष नहीं सीख सकता कुकिंग। मर्द रेस्टोरेंट में ही अच्छा खाना बना सकते हैं, लेकिन घर के खाने में धैर्य की जरूरत होती और मसालों के साथ थोड़ा प्यार भी होता है जो एक गृहिणी डाल सकती है। इसीलिए तो हर मर्द घर के खाने के लिए तरसता है। ये सिर्फ आपकी सोच है और मैं आपकी सोच से सहमत नहीं हूँ। औरत की जिंदगी किचन की चार दीवारी के अंदर नहीं, घर के बाहर है, काम करने में, एंजॉय करने में। But mom, what if I said कि घर का काम करना मुझे अच्छा लगता है? Why do I even say anything? तुम्हें समझाने का कुछ फायदा ही नहीं है। You enjoy your cooking session. खाना बना। रुको। मुझे देख के भाग क्यों रही हो? मैं कोई शेर या चीता हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? शेर और चीते से तो हम डरत भी नहीं है, भाई की वो बात बेबात कौनों पे चिल्ला तो नहीं है ना? मतलब मैं चिल्लाता हूँ तुम्हें? मुझे मजा आता है तुम्हें डांटने में। सच बोले या झूठ? क्या मतलब? झूठ हम बोल नहीं सकते, और अगर सच बोले तो फिर से डांट खानी पड़े। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे जानबूझ के चिल्लाता हूँ तो यही सही, मुझे कोई सफाई नहीं देनी तुम्हें। और वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्योंकि फर्क उनसे पड़ता है जो हमारे लिए कुछ मायने रखते हैं। कसम भी तुम्हें कह सकते सैरी बाबू कि हमें भी तुम्हारी बातों से ना
कोनो फर्क नहीं पड़ा, पर क्या करे, भगवान भी तुम्हारी तरह निर्दयी है। अपनी औरत को ऐसे कहा मनाओ, और हम दिल से सोचा था, तुम्हारी तरह दिमाग से नहीं। How is it? Not bad. Really? एक और लीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं। Okay. Still, I think पढ़ी लिखी औरतों ने किचन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो बाद में देखेंगे। अनुषा ने जो पूरन पोली बनाई है पहले मैं वो टेस्ट करूंगा। All thanks to आजी, उन्होंने तो सब सिखाया मुझे। कैसी है? Fantastic. हॉस्पिटल नहीं गए आज तू? नहीं, आधे रास्ते जाके वापस आ गया। Strange. आज से पहले तो तुमने कभी ऐसे नहीं किया। आज से पहले ये ख्याल भी नहीं आया था कि एक डॉक्टर होने के अलावा मैं एक आम इंसान भी हूँ। लगता है आज डैड कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में है, इसीलिए सुबह सुबह आयुष के घर चले गए। और वहां मोही ने एज यूजुअल डैड पर शॉक कर दिया। आयुष ने सब बता दिया मुझे। अरे कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही। फिर से क्या किया उस लड़की ने? मैं बताती हूँ मॉम। डैड ने मोही से उसकी मॉम का नाम पूछ लिया। इतनी छोटी सी बात पर मोही इतना गुस्सा हो गए कि पूछो मत। बाद में पता चला कि उसकी गांव में कुछ रिवाज है कि माँ का नाम नहीं लेते, क्योंकि अगर मॉम का नाम ले लिया तो वो माँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। समझी नजर होनी रही? या बेचारी भोली भाली है, जो उसे बताया जाता है वो आंख मूंद कर विश्वास कर लेती है। पर तुमने उससे उसकी माँ का नाम पूछा ही क्यों? ऐसे ही? उसने कहा था कि उसके बाबा गोरेगांव पार्क में रहते हैं, तो मैंने सोचा अगर उसकी मदद की जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो तुम उसके बाबा को ढूंढने के लिए उसकी माँ का नाम पूछने उसके घर तक पहुंच गए। It's not like that, mom. I think dad ने सोचा होगा कि उसकी मॉम का नाम पता चल जाएगा तो उसके डैड को ढूंढना ज्यादा आसान हो जाएगा। Right, dad? Yeah, right. अनुषा, ये पूरन पोली और एक कप चाय ना मेरे कमरे में भिजवा देना। एक इंपॉर्टेंट मेल चेक करनी है। All right. विनय मोही की लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन अच्छा, तेरे कहने का मतलब है इन किताबों को पढ़ने के बाद तूने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया। अच्छा, और इन किताबों का तुझ पर असर भी हो गया है, और अब कुछ भी हो जाए तू गुस्सा बिल्कुल नहीं करेगा। वो भाऊ, जब से ये ऑफिस से आए हैं ना, मुझे एक बार भी डांटा नहीं है इन्होंने। अच्छा? मुझे तो टेंशन होने लगी है अभी। अरे आओ। हाँ सुनो ना, देखो मेरी रिपोर्ट कार्ड। मेरी भी। ओहो। सुनो ना, जरा इनके रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर देना। करता हूँ। ये क्या? सब में बीओ सी ग्रेड्स मिले, इतने कम ग्रेड्स मिले तुम लोगों को? पापा पता नहीं मिस मैम ने कम मार्क्स कैसे दिए। नॉनसेंस।
मेरा मतलब ये नॉनसेंस ही तो है कि हम बच्चों के टैलेंट को ग्रेड्स में नापते हैं। अब ये जरूरी तो नहीं ना कि जिस बच्चे को कम ग्रेड्स मिले हो वो इंटेलिजेंट ही नहीं है। इंटेलिजेंसी का रियल मीनिंग तो होता है कि कुछ नया एक्सप्लोर करना और कुछ ऐसा करना जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। सबके लाने मीठा। ओहो, ये इससे तो जुबान और मीठी हो जाती है। लाओ लाओ। वाह वाह वाह। और दिमाग भी ठंडा रहेगा। ये लो बेटा। छोटे चाचा, आपसे कुछ पूछना है, पूछेगा? अरे एक क्यों, दो पूछो, जो पूछना है पूछो, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। वो हम कह रहे थे, नहीं छोड़ो जान दो, अब गुस्सा करोगे। अरे नहीं नहीं, गुस्सा नहीं आएगा, पूछो जो पूछना है। ठीक है, हम जे कह रहे थे ना कि वो बात जे है कि नहीं छोड़ो, बाद में कहेंगे, जान दो। अरे ऐसा क्या पूछना है तुझको मुझसे, पूछना जो पूछना है पूछ। अब पक्का प्रॉमिस, आप गुस्सा नहीं करो? हाँ हाँ पक्का वाला प्रॉमिस, पूछना क्या पूछना है तुझको। ठीक है, वो कहा है ना, हम कितने दिन से सोच रहे थे कि आपसे जो बात कहे, छोड़ो जान दो। हमें कहा ऐसा लग रहा है कि आप गुस्सा करोगे, जान दो, बाद में कहेंगे, छोड़ो जान दो। मोही, अरे कहा ना कि नहीं चिल्लाऊंगा, नहीं करूंगा गुस्सा, एक बार में कोई बात समझ में आती है क्या? आत है ना, क्या समझ में आती तेरे को? जे की जे किताब तो का वेद पुराण शास्त्र भी पढ़ लो ना, तो भी आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाओ। गुस्सा दिला दो। बस शुभ, बहुत हो गया, इस मोह की उठपटांग हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अरे वो होती कौन है सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने वाली? मजाक उड़ाया नहीं, मजाक किया है उसने, दोनों में फर्क है। और आप इतना क्यों चिढ़ रहे हो? भाव ने तो कभी मोहे के मजाक का बुरा नहीं माना। भाव भाव है, मैं हूँ शरद गोखले। अगर भाव को ऐसा पसंद है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझको ही पसंद होगा। शरद क्या हो गया आपको, हा? क्यों इतनी छोटी सी बात को इतना बढ़ावा दे रहे हो? छोटी सी बात नहीं बल्कि बहुत छोटी सी बात की है मोहिनी ने। अरे छोटे लोग छोटी ही बात करेंगे ना। अरे है कौन वो, सबके लिए वो एक फैमिली मेंबर होगी, लेकिन मेरे लिए इस घर में काम करने वाली एक मामूली सी लड़की है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। शरद प्लीज, ये कैसी बातें कर रहे हो आप, हा? आप जैसा एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी ऐसी बातें कर रहा है, भेदभाव कर रहे हो आप। मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और अगर कोई मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। और इस घर में सभी लोगों को तो अपनी इंसल्ट करवाने की हैबिट हो गई है, आज अगर मेरी मौसी इस घर में होती तो एक सेकंड में उस मोहे को उसकी जगह दिखा देती। शरद प्लीज प्लीज शांत हो जाओ।
मोही हो गया ना तेरा, निकाल दिया ना जाले? हो बस लगभग हो गए, ये खत्म करके किचन में आते काम करने के लिए। हाँ हाँ, बस बाहर देहरी के पास बचे। ठीक है, देहरी का काम खत्म करके तू किचन में आ जा, आज किचन भी साफ कर लेंगे। हाँ। अच्छा है तुम्हारे भाऊ नहीं है आज, 3-4 घंटे के लिए पुणे से बाहर गए, नहीं तो हर 10 मिनट में मोही मेरे लिए मसालेदार कड़क चाय लेके आ जा, मोही मेरे लिए पानी लेके आओ। चल तू अभी किचन में आ जा जल्दी। संग चलो, हम आपको खूब स्वागत सत्कार करें। हाँ। अच्छो क्यों भोले बाबा जो आप आ गए, काहे कि हम तो इतने से गांव नहीं जा सकत ना, हम बता नहीं सकते आज हम कितने खुश हैं, आप हमारे साथ चलो। चलो ना, बहुत भूख लगी है, आज देर हो गई। शुभा जी, तो शांता मौसी के बारे में कुछ बोल रही थी ना? हाँ, वो कल ये पूछ रहे थे कि आयुष के सगाई में शांता मौसी क्यों नहीं आई। संदेशा तो भेजा था उन्होंने आने के लिए, लेकिन फिर पता नहीं क्यों नहीं आई। पड़ोसी को तो ना ही बोला होगा, लेकिन पड़ोसी ने हाँ समझा होगा। पहले भी तो बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन हो चुके हैं। लेकिन वही ऐसे कैसे? अरे पता नहीं ऐसे कैसे, कितनी बार मैंने कहा है कि मोबाइल तो ले लो, कम से कम बात तो हो पाएगी, पर नहीं। पता नहीं उनको मॉडर्न चीजों के बारे में क्यों इतनी नफरत है। वही नहीं, मोबाइल तो दूर, लैंडलाइन तक नहीं लगवाने दिया उन्होंने, इसीलिए तो बात भी नहीं हो पाती हमारी उनसे। पर क्या करें, उनकी सोच ही अलग है। आई मां, काकू मां, चाची, जल्दी आओ, ये देखो हमारे घर में कौन पधारो है। अरे देवा, इसने फिर से कोई नया तमाशा तो नहीं खड़ा किया? चल देखते हैं। क्या हुआ, क्या किया है? देखो हमारे घर में कौन आया है, साक्षात साक्षात भोले बाबा, हमारे बाबा महादेव। अरे आप लोग ऐसे देख कर रहे हो, ये साक्षात भोले बाबा है। मोही, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चल अंदर। हाँ, पर भोले बाबा का संग लेके। मोही, क्या हो क्या गया है तुझे? मोही अब चल, रख दे इसे। काकुमा, महादेव है जी, संसार के देवता, हमारे घर में दर्शन देके महादेव ने कितनो बड़ो उपकार करो है हम पर। जय हो भोले बाबा की। चाची जी लो, आप भी लो। अगो गो। आई मां, भोले बाबा की पूजा अर्चना करनी पड़े ना, ओकेला ने खाने पीने को बंदोबस्त करना है। चलो आई मां, बहुत सारी तैयारी कर ली है। हम वैसे भी गणपति पापा की पूजा करते हैं ना, इतना बड़ा मंदिर जो बनाया है गणपति पापा के लिए। पर काकुमा, ये तो गनु भैया की भी बाबा है ना, स्वयं महादेव भोले बाबा। हम महादेव की पूजा करें, बस आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? उपवास रख के आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, जो जो हम कहते वो करना पड़े, बस करो ना मदद। आप लोगों ने कुछ खाओ तो नहीं है ना? नहीं तो? अरे नाश्ता करने ही वाले थे तो तुमने बुलाया। देखा, ये भी भोले बाबा की लीला है, भोले बाबा चाहते हमारे साथ आप लोग भी ओके लाने उपवास रखो, तभी तो सही समय पर हमने आवाज दे दी।
बस अब आप लोग वही करना जो हम कहते। भोले बाबा की पूजा अर्चना करने के लाने का क्या चीजों की जरूरत है। जय हो भोले बाबा की। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।